हेलो एवरीवन, आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल है, सभी लोगों के घर में बनती है और हमें बच्चों के लिए कैसे ये रेसिपी तैयार करनी है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की रेसिपी है उपमा। मैंने उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में आधा कटोरी सूजी ले लिया है। ये बारीक वाला सूजी है, आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल है बारीक या मोटी आप वो ले सकते हैं। तो आधी कटोरी सूजी लगभग दो लोगों के लिए हो जाती है, मतलब ब्रेकफास्ट में आप बना रहे हो तो बच्चे के लिए और आप अपने लिए। तो सबसे पहले हमने जो सूजी ली है उसको दो चम्मच घी के साथ हमने भून लेना है, मतलब हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है उसको और अच्छे से हम उसको भून लेंगे लो फ्लेम में। आप सूजी को लगातार चलाते रहिए क्योंकि नीचे से ही, अगर आप पतले बर्तन में सूजी को भून रहे हैं तो ये नीचे से जल जाता है। अब आपने दूसरी बर्तन में थोड़ा सा तेल ले लेना है और आप तेल में डालेंगे, तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब आप इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी राई के दाने और थोड़े से कड़ी के पत्ते। कड़ी के पत्ते आप जब बच्चे को उपमा देते हैं तो आप उनको अलग निकाल दें क्योंकि बच्चा नहीं खाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। मैंने एक प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक से चॉप कर दिया है चॉपर की हेल्प से। अब हम प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये हल्का सा ब्राउन न हो जाए। आप उपमा बना रहे हो बच्चे के लिए तो आप उसको सिंपल ही रखिए, ज़्यादा मसाला ऐड मत कीजिए क्योंकि बच्चों के लिए हमें सिंपल ही खाना बनाना चाहिए, ज़्यादा मसाला वाला नहीं देना चाहिए। तो अब मैंने थोड़ा सा उसमें एक टमाटर काट के डाल दिया है और टमाटर काट जब आप डाल रहे हो तो उसके बाद नमक और हल्दी ज़रूर से डाल दें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब आपने ये सब चीज़ अच्छे से मिलानी है। उपमा में आप अपने मनपसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो भी है आपके पास। ज़रूरी है कि सारी सब्जियां होनी चाहिए तभी बने, ऐसा नहीं है। जो भी सब्जी आपके घर में है आप वो डाल सकते हैं। इसमें आप हरी सब्जी भी ऐड कर सकते हैं बारीक से काट के। तो मैंने एक गाजर और थोड़ी सी पत्ता गोभी बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिए। अगर आप इस तरीके से बच्चे के लिए खाना बनाते हो ना तो बच्चा सब्जी भी खा लेता है और जो चीज़ आप बना रहे हो वो भी। और मटर के दाने तो छोटे बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो आप उपमा में ये ज़रूर ऐड करें। बच्चों को खाना जब हम देते हैं तो उनका खाना थोड़ा कलरफुल हो तो अच्छा लगता है, मतलब वो देखने में अच्छा हो तो वो खाते भी खूब हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, एक चीज़ उसके लिए बनाते हैं उसके बाद हम बनाते ही नहीं हैं। लेकिन अब इसमें ऐड कर देना है भुना हुआ सूजी। जो सूजी आपने पहले से भून के रखी है वो आप इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तो आप इसमें डालेंगे गर्म पानी। लगभग दो गिलास गर्म पानी मैंने इसमें डाला है। आप पानी पहले से ही गर्म करके रखें और इसमें डाल दें। बस इसको चलाते रहना है और थोड़ी देर ढक के इसको पकाना है, 4 से 5 मिनट, और आपका उपमा बनके तैयार हो जाएगा। तो आप भी बच्चों के लिए ऐसे ही बनाएं। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में बताना आपका बच्चा खाना खाता है कि नहीं खाता और आपका बच्चा कितने साल का है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।